everyone, my name is Madhuri. You are watching All Things Together. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल में. आज मेरे चैनल पे जो भी आए, आज मतलब हमेशा जो भी आते हैं, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आपको पता नहीं है कि मैं किस बारे में वीडियो करती हूँ, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं कुकिंग के रिलेटेड वीडियो करती हूँ, केक्स के रिलेटेड करती हूँ. व्लॉग्स मैंने अभी तक बहुत सारे स्टार्ट नहीं किए हैं, बट दो तीन व्लॉग्स डाले हैं एंड अभी मुझे शुरुआत करनी है. एंड DIY मेकअप के रिलेटेड वीडियोस रिव्यू भी शेयर करती हूँ. एंड एक्टिंग का कीड़ा दिल में है बहुत सालों से, मतलब मैं आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर. मैंने थिएटर किया है मराठी, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट इट माई एक्टिंग स्किल ओवर हियर. आई थिंक सो मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब वर्सेटाइल. सो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आप देखिए मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर फ्रेंड्स. गाइज आपको मेरे थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी, हमारे वुमेंस के लाइफ में या हमारे गर्ल्स हो, कोई ऑफिस गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, हमें ऐसे लगता है अगर कॉम करने जितना आयन हमारे बालों का करना इतना ईजी होता तो कितना अच्छा होता. तो उस चीज़ का मैं रिव्यू करने वाली हूँ एंड मेरे थॉट्स जो है आफ्टर डेमो में आपको बताऊँगी, तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिए. सो यहाँ मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट का. ये है सिंपली स्ट्रेट 3D सिरामिक ब्रिसल्स मशीन हेयर स्ट्रेटनर है ये. आप देख सकते हैं ये वाला ब्रश है ये. एंड हम देखेंगे इनके बाल, देख रहे हैं आप कि ऐसे थे फिर ऐसे हो गए, ऐसे थे फिर ऐसे हो गए. सच में ये ऐसा वर्क करता है या नहीं करता है या बेस्ट ऑफ मनी है, एंडिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताऊं. तो गाइस ये जो मशीन है फ्रॉम ब्रॉन्सन की कंपनी से है, मतलब ये ब्रांड है ब्रॉन्सन का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टिकर है, ये भी इस टाइप से लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं. मैं इसे फील भी कर सकती हूँ, बाकी कहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है कि ये ब्रॉन्सन का है. इसे सिर्फ सिंपली स्ट्रेट इस नाम से ही जाना जाता है. दिस इज़ नॉट अ हेयर आयनिंग मशीन, मतलब हेयर स्ट्रेटनर आप बोल सकते हैं, लेकिन ये कॉम फॉर्म में है. ये है ये प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं इसके जो ब्रिसल्स है, ये जो पिंक कलर में है वो सिरेमिक के है ताकि आपके हेयर स्ट्रेट हो. ये हॉट होता है एंड यहाँ पे बाजू में उन्होंने दिया है ये जो है रबर का ब्रिसल्स है ताकि आपके हेयर को या आपके किसी भी स्किन पार्ट को बर्न ना हो. एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये जो है रबर फॉर्म में दिया है, मतलब सिरेमिक के ऊपर उन्होंने रबर का कोटिंग किया है ताकि ये हमारे स्किन को या किसी भी एरिया को डैमेज ना कर सके. सो ये जो बटन है ये है ऑन ऑफ के लिए एंड ये है आप इसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. एंड यहाँ पे उन्होंने दिया है LED डिस्प्ले, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे 450 फ़ारेनहाइट पे ये सेट होता है, लेकिन इसे ऑन जब करती हूँ तब यहाँ पे जस्ट 450 फ़ारेनहाइट पे लेके जाती हूँ, लेकिन ये स्टार्टिंग करता है 50, 60, 70, 80. ये अपने आप ही टेम्परेचर को सेट करता है, दैट इज़ गुड, मतलब आपको कम ज़्यादा बार बार नहीं करना पड़ता है. हम देखने वाले हैं अभी इसका डेमो, मेरी नीज़ है यहाँ पे आई हुई है तो मैं उसके बालों पे भी ये ट्राई करूँगी. उसके हेयर जो मेरे हेयर से थोड़े से ज़्यादा फ्रीजी है. सो इफ यू इंटरेस्टेड टू वॉच डेमो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. एक्चुअली फर्स्ट मैंने मेरे हेयर अच्छी तरीके से कॉम कर लिए हैं गाइस एंड उसके बाद मैंने मेरे मशीन को 450 फ़ारेनहाइट पे सेट किया है. एंड 450 टेम्परेचर पे अगर सेट करते हैं फिर भी ये धीरे धीरे से 450 तक पहुंचता है, डायरेक्टली 450 नहीं होता है, वो 50, 60, 70, 80 ऐसे धीरे धीरे से बढ़ता है. बट मेक श्योर आपकी जो आपका जो हॉट ब्रश आयन है वो थोड़ा सा हॉट होने दीजिए 1 से 1.5 मिनट तक, उसके बाद ही आप आपके बालों को स्ट्रेट कीजिए, यूज़ कीजिए इस ब्रश को ताकि ये अच्छे तरीके से आपको ये बालों के ऊपर वर्क कर सके. सो आप देख सकते हैं टाइप से ये मेरे बालों के ऊपर वर्क कर रहा है. आप इसे चाहिए वैसे यूज़ कर सकते हैं गाइस, मैंने इसे इस टाइप से यूज़ किया है. मैंने एक दूसरे टाइप से भी, जैसे हम कॉम करते हैं उस टाइप से भी यूज़ करके देखा, तो ऑल टाइप से ये वर्क करता है, बहुत ही कम टाइम में ये काम भी करता है. आप देख सकते हैं मेरे बाल पहले से ज़्यादा थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं, थोड़े से शाइनी हो गए हैं कंपेरेटिव दिस सेक्शन.
अभी मेरी जो नीज़ आई हुई है उसके बाल मेरे बालों से बहुत ज़्यादा फ्रीजी है, तो मैं देखूँगी कि उसके बालों के ऊपर ये मशीन कैसे वर्क करता है, ये हॉट ब्रश आयन कैसे यूज़ होता है एंड काम करता है। मेरा बच्चा बीच बीच में मस्ती कर रहा है, उसे भी कैमरा में आना है। डोंट माइंड फॉर दैट गाइज। होप गाइस कि यू कैन सी उसके बालों के ऊपर एक अलग सी शाइन आ गई है। यहाँ पे उसका आयनिंग जो है कंप्लीट हो गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही मैंने उसके बालों के ऊपर आयन किया था, लेकिन फिर भी देख रहे हैं आप कि उसके बालों में एक शाइन आ गई है। बट नीचे का जो सेक्शन है थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा सा लग रहा है कंपेयर टू दिस सेक्शन, वो ये सेक्शन अच्छा लग रहा है आई मस्ट से। ये था मेरा फाइनल डेमो, आपने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल बता रही हूँ इसका पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट में से ये है कि आपके बाल जो है बहुत ही स्मूथ शाइनी लगते हैं, एंड उसके बाद आपके जो बालों में जो फ्रीजीनेस मुझे लग रहा था वो फ्रीजीनेस बहुत ही कम हुआ मेरा। सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात लगी वो ये है कि आपका जो ये स्ट्रेटनर है ये आपके स्किन को भी अगर कहीं पे भी लग जाता है या कान में लग जाता है या आप डायरेक्टली से हाथ भी लगाते हैं तो ये आपको बर्न नहीं करता है बिल्कुल भी। जैसे आप आयनिंग मशीन से करेंगे तो यहाँ पे भी आपको धीरे से पकड़ना पड़ता है, यहाँ पे भी कहीं पे भी किधर भी चोट आ सकती है, मतलब बर्न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सेफर साइड है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बर्न करेंगे, बर्न करेगा ये मशीन मतलब हॉट ब्रश। अगर आप ऐसे भी रखते हैं फिर भी ये आपको बर्न नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने रबर के ब्रिसल्स दिए हैं यहाँ पे भी है, तो वो बहुत ही सेफ्टी साइड लगा, मतलब एफर्टलेस है, मतलब कुछ भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे कॉम करते हैं, अगर आप हरी हो ऑफिस में जाने वाले हो या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप डायरेक्टली जैसे कॉम करते हो उस टाइप से कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड, मतलब बहुत ही अच्छा मुझे बोला। बताना चाहूँगी आप अपने गीले वालों पे ये ट्राई मत कीजिए क्योंकि आपको हेयर बहुत डैमेज करेंगे, आपको हेयर कम से कम आपके हेयर सेमी ड्राई तो होने दो उसके बाद में आप यूज़ कर सकते हो। मुझे हेयर मेरे मैनेजेबल लग रहे हैं, मतलब पहले जैसे मेरे बाल फ्रीजी लग रहे थे तो हाथ डालने के बाद आपके बालों में आपको समझ में आता है कि फ्रीजीनेस वो चला गया है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड फाइनल थाट्स ये है कि प्राइस, तो प्राइस मैंने 699 रुपीज़ में ये नायका से ऑर्डर किया था, तो बहुत ही कम पैसे में आपको ये प्रोडक्ट आ जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। किसी को ट्राई करना है फर्स्ट टाइम लाइफ में ये हेयर स्ट्रेटनर ले रहे हैं, मतलब हॉट ब्रश या ऐसे कुछ ले रहे हैं, तो 699 रुपीज़ इज़ वेरी क्वाइट अफोर्डेबल गाइज। दूसरा पॉइंट जो है जो मुझे महसूस हुआ कि आयनिंग आयन से जब आपके हेयर को आयन करते हैं तब थोड़ा सा जलने का स्मेल आता है, लेकिन इससे वो स्मेल मुझे नहीं आया, मतलब पर्सनली ये मेरा थॉट है मुझे वो स्मेल नहीं आया, दैट इज़ वेरी गुड। करते हैं गाइज अभी इसके नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। सो ये जो उन्होंने दिखाया है इस फोटो में कि बाल ऐसे थे फिर ऐसे हो गए, तो इस टाइप के बाल नहीं होते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। नेचुरली आपके बाल जैसे स्ट्रेट लगने वाले हैं, मतलब बहुत ही, मतलब ये जो एंड्स जो है इसके वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, जैसे आयनिंग आयन से आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं पूरे, लेकिन यहाँ से आपके बाल पूरे तरीके से स्ट्रेट नहीं होने वाले हैं। नेचुरली आपके एक फ्रीजीनेस जो है वो चला जाएगा, बाउंसीनेस आएगा, बट ये स्ट्रेट इस टाइप के नहीं होते हैं। आपके अगर कर्ली बाल होंगे तो कर्ली बाल के लिए आई सजेस्ट कि आप आयनिंग मशीन ही लीजिए, क्योंकि कर्ली अगर एक्सट्रीमली कर्ली है तो ये मुझे नहीं लगता है कि वर्क करेगा आपके बालों के ऊपर। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो या आयनिंग मशीन अभी आपको लेने का मन है, अगर हॉट ब्रश आप देख रहे हो, तो अगर आयनिंग मशीन से जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बहुत ही स्ट्रेट कर देगी आपके बालों को, उस टाइप का अगर आपको मतलब इफ़ेक्ट चाहिए तो दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर यू गाइस। इसका जो इफेक्ट है आप आयन करने के बाद आपके बाल शाइनी रहेंगे, आपके बाल फ्रीजी भी नहीं लगेंगे आपको, लेकिन
जो थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग का इफेक्ट है वो बहुत टाइम के लिए नहीं रहेगा। मेरे फाइनल थॉट्स यही रहेंगे, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, 699 रुपीज़ में, आप डेफिनेटली गो फॉर इट एंड वेरी गुड। मतलब आप 700 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मतलब गाइस कि आपको ये रिव्यू जो है अच्छा लगा होगा, मैंने जो मेरे फाइनल थॉट्स है, मेरा हॉनेस्ट रिव्यू दिया है, जो मुझे लगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप कि यू एंजॉय इट वेरी वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उनके साथ। सभी व्यूअर्स हैं वो बोल रहे होंगे यार रिव्यू तो मराठी में नहीं किया है। सो प्लीज़ गाइस, अगर मराठी लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो यार, तुम्ही नक्की मला कमेंट करा की हा व्हिडिओ मराठीमध्ये आम्हाला हवा आहे, तर डेफिनेटली मी हा व्हिडिओ करेन। जितके जास्त कमेंट तितका लवकर मी व्हिडिओ करणार। सो या, दॅट्स इट फॉर द व्हिडिओ गाइज। इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ देन गिव इट अ बिग थम्स अप, शेअर विथ युअर फॅमिली, फ्रेंड्स अँड डिअर वन्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्हिडिओ में, टिल देन टेक केअर।